तो आज के गुरु की बात करें तो आज हम लोग जा रहे हैं शेर करने जांच स्टेशन, जो कि हमारे बहुत पुराने ये शॉर्टकट चार स्टेशन जाने का एकदम शॉर्टकट रास्ता जब आराम से धीरे धीरे उतरना पड़ेगा हम लोग की गाड़ी एकदम पूरा 5 की स्पीड में उतर रही है हीरो होंडा स्प्लेंडर। बस यार तो हम लोग आ गए हैं चास स्टेशन। चास स्टेशन गए हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर बाइक पार्किंग कर दिया है और मनोज उधर से पैदल आ रहा है और हम लोग आ गए हैं बोकारो का जिस स्टेशन की मैं बात कर रहा था वो स्टेशन। इस स्टेशन का नाम है चास रोड एक वो स्टेशन है, वो बंगाल में है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में और ये सिर्फ हमारे है चास स्टेशन। देखिए यहाँ पर सीट लग गया है बैठने के लिए, यहाँ पर वेटिंग मतलब आप ट्रेन का वेट करते टाइम यहाँ पर बैठ के वेट कर सकते हैं। ये है चास, इसका स्टेशन कोड की बात करें तो CHASS चास स्टेशन। ये स्टेशन बोकारो जिला का बहुत पुराना स्टेशन में से एक है लेकिन यहाँ पर एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं रुकी है 150 साल के इतिहास में। तो यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म बन चुका है नया, पता नहीं कब से यहाँ पर ट्रेन रुकेगी। ऐसे ट्रेन पार होती है एक्सप्रेस सब हावड़ा से आती है, एक दो को डाइवर्टेड ट्रेन दिल्ली मुंबई मेल ये सब पार होती है बट यहाँ पर अभी तक रुकी नहीं है, मतलब पैसेंजर चढ़ी नहीं है। मतलब क्या टिकट विकट जो हम लोग जैसे स्टेशन बना हुआ रहता है हर स्टेशन में उसमें हम लोग टिकट कटा के चढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म बन गया 3 गो। यहाँ पर एक नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, उधर है 2 प्लेटफॉर्म, 2 लास्ट में 3 और बैठने के लिए एकदम बना दिया है 1 नंबर। यहाँ जब भी आपका ट्रेन आएगा तो पटाख से यहाँ पर बैठ जाइए, देखिए और इंतजार कीजिए ट्रेन का आराम से। देखिए आशा करते हैं कि यहाँ तो 2-3 साल के अंदर ट्रेन जब यहाँ पर चलेगी तो मैं उस ट्रेन में हम सफ़र करेंगे तो उसका भी ब्लॉग बना देंगे। तो फिलहाल यहाँ का खूबसूरती का देखिए साफ सुथरा 1 नंबर है, अभी तक तो साफ सुथरा एकदम सभी जगह एकदम बढ़िया से बना दिया गया है। इधर थोड़ा है, इधर भी बैठाएगा तो चलिए और भी मैं दिखा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 जाके, तो बोलो भी बने रहिए। और ये हमारे मुड़ो जा रहे हैं, बन जा और खींची देने को फोटो। इस स्टेशन पानी के लिए भी मतलब टैप बनाया गया लेकिन अभी नहीं निकल रहा, फिलहाल चालू नहीं हुआ हमको लग रहा है, तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। बोर्ड देखिए बहुत खूबसूरत नया बोर्ड, ये इसका समुद्र तल से ऊपर की बात की जाए तो 250 मीटर है। मैं यहाँ पर थोड़ा फोटो खींचा लिया था 2-3 गो, तो मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2।
ओ मेरे साथ है कार्तिक। ये नई ट्रैक है, मनोज जा रहा पीछे से, और ये है मेन लाइन। ये दोनों मेन लाइन है, 1 2 इसमें अभी ट्रेन चलती है। मेरे बाप तो मारा के होता हूँ उठाएंगे एक दरकार नहीं आ रहा था पाम यहाँ पे काला पलें बिल्कुल जा सकते। और हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बात करें तो इसकी लंबाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 जितनी लंबाई है हमको लग रहा है उससे थोड़ा छोटी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर ही बैठने के लिए सीट दिया गया है, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ये रहा 3। तो ये फिलहाल प्लेटफॉर्म तो बन के रेडी है, लाइट की सुविधा दी गई है, मतलब रात में यहाँ पर स्टेशन में लाइट जलाना पड़ेगा ना, तो दिखेगा कैसे। इधर भी दिया है पानी पीने के लिए, बट अभी चालू नहीं किया गया है। तलगड़िया स्टेशन जैसा ही चालू करेगा कब पता नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 में आया तो थोड़ा थक गया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहा हूँ। वो ये 4 स्टेशन की बात करती है, वो जब स्टेशन खुलेगी तो यहाँ पर जितने भी आसपास के गांव हैं, गाँव के लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी दूर दूर तक जाने के लिए। क्योंकि अभी हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो बोकारो स्टेशन से जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से मतलब वही 30 किलोमीटर दूर है। तो जब यहाँ ट्रेन रुकेगी, मतलब पैसेंजर ट्रेन, तो यहाँ के लोगों के लिए सुविधा होगी, हम लोग के लिए भी कहीं भी हम लोग घूमने जा सकते हैं। कोलकाता निको पार्क, उड़ीसा पूरी धाम, यहीं से जा सकते हैं आराम से। यहाँ से बड़े स्टेशन जाएंगे और बड़े स्टेशन से छोटा स्टेशन आराम से जा सकते हैं, जहाँ मन तहाँ घूमने के लिए गर्मी का दिन में भी। तो चलिए बोलो कंटिन्यू बने रहे, मैं उधर जा रहा हूँ, सीढ़ी जिधर बना है। ये देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे। 4 स्टेशन की बात करती है, आधा डिवीजन में आती है, और आधा डिवीजन मतलब यहाँ से सीधे आप हम लोग जिधर से आए ना बांडी स्टेशन तरफ से, उधर सीधे आप आधा जा सकते हैं। और यहाँ पर कार्तिक थोड़ा इंस्टाग्राम में लाइव कर रहा है, तो उसका भी मजा ले रहा है कार्तिक। पहले पेड़ था, इसको कट दिया गया है, तो इसको कट के साफ कर देगा, मतलब अभी फिलहाल आधा कट के रख दिया है। पेड़ जमीन से जगह पेड़ था, पेड़ से हटाएगा तो बढ़िया दिखेगा। और यहाँ पर नया देखिए, इधर नया एकदम ट्रैक बिट गया है, और ये इलेक्ट्रिक सी चलेगी। और यहाँ पर भी एक पेड़ है, इसको शायद नहीं हटाएगा, ये भी बढ़िया दिख रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 में। प्लेटफॉर्म पे बहुत सब पेड़ है जो इनको काट के हटा दिया जा रहा है। इन लोगों का मानना है कि वही मतलब 1-2 साल के अंदर यहाँ पर ट्रेन रुकेगी। अभी तो एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से पार होती है, बट रुकती नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ स्टेयर की ओर, दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर स्टेयर बनाया गया है, मतलब चढ़ने के लिए आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 1 तक स्टेयर के थ्रू जा सकते हैं। बहुत जल्दी से स्टेशन को कंप्लीट कर दिया गया है, बट ट्रेन बस लोगों को यहाँ सिर्फ आशा है कि ट्रेन कब से रुकेगी, ताकि लोग यहाँ से सफ़र कर सकेंगे दूर दूर तक। लोग क्या, मैं भी सफ़र करूँगा। यहाँ से सीन देखिए, गजब सीन दिख रहा, खतरा डेंजर। यहाँ पर टोटल 5 ट्रैक। वन टू थ्री और एक उधर 5 ट्रैक। 4 स्टेशन, 25,000 वोल्ट डेंजर, मतलब वही तार का करंट के बारे में हमको लग रहा है बोल रहा है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे स्टेयर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13
मैं जो पिछला बार आया था नरेश के साथ, नरेश ने भी इस स्टेशन का ब्लॉग बनाया है, उसका ब्लॉग आप एनके ब्लॉग्स में देख सकते हैं। तब उतना अच्छा से प्लेटफॉर्म सब नहीं बना था, आधा अधूरा था, ये सब पत्थर बिछ रहा था, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट हो गया है लगभग। सिर्फ वो सब लकड़ी, सब पेड़ का लकड़ी सब स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 और 2 के बीच में है, वो सबको हटाया जा रहा है। तो मैं जा रहा हूँ नीचे की ओर, दिखा रहा हूँ कुछ। तो मैं प्लेटफॉर्म 1 में आके थोड़ा वेट कर रहा हूँ। वेट मतलब क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थक गया बैठा हूँ। और इधर है मेन गेट, मतलब इधर ही हमको लग रहा है टिकट कटा जाएगा। अभी तो मतलब चालू नहीं किया गया है, मतलब बन के रेडी है। जब चालू किया जाएगा तब टिकट काउंटर भी दिखा दूंगा कहाँ पर टिकट काउंटर बना है। और यहाँ से देखिए पूरा ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा स्टेशन का सीन। दृश्य दिखा रहा हूँ, कार्तिक मेरे पास आ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बात करते, देखिए वहाँ पर कुछ लड़कियाँ मोबाइल लेके आई है, मोबाइल में हेलो हेलो कर रही है, बहुत बिजी है। तो सोचिए यहाँ पर ट्रेन जब रुकेगी तो और भी बिजी होंगे सब लोग। और इस स्टेशन में भीड़, एक से एक भीड़ रहेगा। अभी तो हम लोग फिलहाल अकेले बैठे हैं सीट पे, अभी सुनी सुनी लग रहा है स्टेशन, अनसुना सुना। मनोज वहाँ पर बैठा है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कार्तिक मोबाइल खींच रहा है। यहाँ पर टी स्टॉल नहीं है, टी स्टॉल कब खुलेगा? तो टी स्टॉल रहता तो अभी चाय पीते हम लोग। तालगड़िया स्टेशन में टी स्टॉल था, बस बंद था उस दिन। टी स्टॉल भी खुला जाएगा तो मस्त लगेगा। और यहाँ पर 3-4 को होटल मतलब आउटर में खोज रहा है 4 स्टेशन लगे यहाँ कर। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन तो नहीं आएगी फिलहाल, बट थोड़ा शाम होगा तब तो हम लोग यहाँ से घर निकलेंगे। हाय, गुड नाइट। हाय, लाइट कौन दी लागल? चास स्टेशन लाइट लागल, चास स्टेशन, चास स्टेशन लाइट लागल लगी। एक्सपोजर लॉक्ड माने। तो मैं आया हूँ काला पत्थर का चास स्टेशन। इस स्टेशन का व्यू देखिए, ये 150 साल पुराना स्टेशन है, बट यहाँ तक यहाँ एक भी अभी तक पैसेंजर ट्रेन नहीं रुकी है। तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं, देखते हैं और कितना साल लगेगा वेट करते करते। तो ब्लॉग को यहीं पर इन करते हैं, मिलते हैं और एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय, टेक केयर। मेरे वीडियो को प्यार दीजिए और चास स्टेशन के बारे में कमेंट करिए कि यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेन रुकनी चाहिए, एक्सप्रेस या लोकल या फिर मेमू यमयू। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से दुरंतो, राजधानी, शताब्दी, क्या वंदे भारत को यहाँ पर रोकनी चाहिए, क्योंकि बोकारो स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है, गांव वालों के लिए सुविधा नहीं होती है उतना अच्छा से। तो यहाँ पर यदि वंदे भारत एक्सप्रेस रुकेगी तो गांव के लोगों को बहुत सुविधा होगी, बहुत दूर दूर तक यहाँ से लोग जा सकेंगे डिस्टेंस घूमने। गर्मी के दिन में जम्मू कश्मीर, इधर आपका हो गया पूरी धाम, दीघा बीच, गोवा, मुंबई, मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट और राज्यों की बात करें तो यहाँ बोकारो जो है ना, जिला एक नंबर का जिला है यहाँ पर। बोकारो स्टील सिटी स्टील के लिए फेमस है, तो यहाँ पर वहाँ पर बहुत जाम लगता है बोकारो स्टील सिटी स्टेशन में। इसलिए इस स्टेशन को खोला गया है क्योंकि यहाँ से मेन रोड बहुत ही नज़दीक में है, करीब वही 600 मीटर के अंदर आगे तरफ, उधर इधर में दिखा रहा हूँ वीडियो में। और ये हमारे दोस्त सब है, थोड़ा बोर हो गए हैं चास स्टेशन में। यहाँ पर यदि अभी ट्रेनें को दुख रुकता तो हम लोग घूम के आ जा सकते थे कहीं से भी। तो मैं भी बोर हो गया ब्लॉग बनाते बनाते, ब्लॉग कहीं पर इन करते हैं, मिलते हैं और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।